तुमने उसे देखा था? हाँ, मैंने उसे देखा था और वो टेरेस पे 3 बार गया था, इसलिए उसकी शक्ल मुझे अच्छे से याद है। कौन है वो? मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन आज की पार्टी में भी मैंने उसे देखा है। वो शायद यहीं कहीं। अरे ईशानी, तुम यहाँ पे हो? तुमने अपने चैताली काके का डांस मिस कर दिया, बहुत मजा आया। अच्छा, वो तुम्हें बुआ जी किसी से मिलाना चाहती है, चलो ना। आंटी वो बस एक्चुअली मैं। अरे रितिका भी साथ में आएगी, चलो रितिका आओ। आओ ईशान, तुम यहीं पे रुकना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके। वाह वाह चैताली काकी, आपने तो कमाल कर दिया। छुट्टी कर दी उस पारो की। अगर उसके डांस में जोश था तो आपके डांस में अदा थी। मैं तो कहता हूँ अगर आप ना होती तो ये संगीत की शाम ही ना होती। ईशानी यही है जो लोग जिनके बारे में मैं बात करती थी। बस जीती रहो बेटा। कृष्णकांत से बात करी होगी। चलिए। सॉरी मैम, कृष्णकांत नाम का कोई भी कुक हमारी कंपनी में नहीं है। ये हमारा मेन कुक और ये इसका असिस्टेंट, और उस दिन एंगेजमेंट में इन्होंने ही तंदूर घर के बाहर लगाया था। आई एम श्योर कि उस दिन इन दोनों के अलावा कोई भी कुक नहीं था। हाँ 100% मैम, आप हमारे ऑफिस में हमारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकती हैं। इनके अलावा और कोई कुक वहां पर नहीं था। ओके, आप अपना काम कर सकते हैं। रितिका, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के केस में कोई मुझे गुमराह कर रहा है। हाँ ईशानी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दैट समबडी इज मिसलीडिंग यू। वरना कोई मेरे सामने आके ऐसा क्यों शो करेगा जैसे कि उसे उस एक्सीडेंट के बारे में बहुत कुछ पता है। आई एम सॉरी ईशानी, मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी कंफ्यूज कर दिया। ओके रितिका, प्लीज वो भी सॉरी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। नो ईशानी, वी आर फ्रेंड्स। और चाहे फाल्गुनी आंटी मेरी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन थी तो वो मेरी माँ जैसी ना। और जिसने भी मेरी माँ को मारा मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। और अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ को मारने की किसी ने साजिश की थी। और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईशानी, तुम लोग यहाँ पर हो, बाहर सब संगीत एंजॉय कर रहे। चलो चलो बाहर, चलो सब एंजॉय कर रहे। आ जाओ, चलो ना, आ जाओ ईशानी। ओ तो तुम यहाँ हो, चलो आखिरी बार अपनी फैमिली से मिल लो, फिर उसके बाद। Friends and my family, अब बारी है शाम के मेन सरप्राइज की, जिसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। अभी मेरे फ्रेंड आरवी ने आपको मेरा सीक्रेट बताया। कि कैसे मुझे ईशानी से प्यार हुआ और अब उससे शादी होने वाली है। लेकिन उससे भी बड़ा सीक्रेट ये है कि ये प्यार तो होना ही था। बिकॉज आई वॉज मेंट टू बी विथ, मैं इस दुनिया में आया इसीलिए ताकि उसे अपनी दुनिया बना सकूं। प्यार का मतलब ना समझने वाला आज ये जान गया कि सच्चे प्यार करने वाले कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते।
आपका प्यार सच्चा है तो आपके रास्ते मिल ही जाते हैं, फिर चाहे उनके रास्तों में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, वो एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। तो मेरी यही सोच आज शाम की थीम है। आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल डांस जिसमें यहां आया हर एक कपल पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप बिना देखे अपने प्यार को जरूर ढूंढ लेंगे। सो इस डांस में हम सबको एक मास्क पहनना है और देखना है कि हम कैसे अपने पार्टनर और अपने प्यार को ढूंढ पाते हैं। लेडीज के लिए अलग मास्क होगा और जेंट्स के लिए अलग मास्क। प्लीज आई ऑब्जेक्ट मिस्टर शिखर। तुमने सबके बारे में तो सोच लिया बट स्टिल यू आर सेल्फिश। और मेरे बारे में I mean, मैं कौन सा वाला पहनूं, ये वाला या ये वाला? पारो तुम चाहे जो मास्क पहन लो और जिस मर्जी क्यों में खड़े हो जा, आई होप तुम्हें तुम्हारा आज पार्टनर मिल ही जाए। Oh,